नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको मीराबाई स्मारक, जो कि मेड़ता के अंदर स्थित है। और बताते हैं कि यहीं पर मीराबाई का बचपन बीता था। इसी किले के अंदर मीराबाई का लालन पालन हुआ था। तो मीराबाई से जुड़ी ही तमाम जानकारी हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। और पास में ही मीराबाई का मंदिर है, उसके भी दर्शन करेंगे। तो ये किला है और इस वीडियो को पूरा देखिए आप, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाला है। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका बचपन है वो यहीं मेड़ता में बीता था। सगाई से लेकर कृष्ण भक्ति और उनकी शादी तक तमाम बातें हैं वो इसी किले से जुड़ी हुई हैं। इस किले का निर्माण मीराबाई के जो दादाजी थे राव दूदाजी, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और मीराबाई का बचपन अपने दादाजी की देखरेख में ही यहाँ पे बीता था, इसलिए मेड़ता को मीरा की नगरी भी बोलते हैं। और इस किले को देखने के लिए प्रवेश शुल्क 10 रुपये है। और इस किले का दूसरा नाम है वो राव दूदागढ़ भी है, क्योंकि मीरा के दादाजी ने इस किले का निर्माण करवाया था। ये जो बाइयाँ और आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राव दूदाजी, मीराबाई के दादाजी। ये जोधपुर के जो संस्थापक है राव जोधा के पुत्र थे। राव दूदा ने मांडू के बादशाह को हराकर मेड़ता में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। इनके 5 पुत्र थे, वीरमदेव, रतन सिंह, रायमल, रायसल व पिचाण थे। इन्होंने ही 4 भुजा मंदिर, दूदा सागर, दूदागढ़, मीरा महल व अन्य कई राजप्रसादों का निर्माण करवाया था। उस समय मेड़ता समृद्ध और वैभवशाली नगर था। राव दूदा भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे और एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय भी थे। साधु संतों का आना जाना उनके यहाँ लगा ही रहता था, जिससे मीरा भी बचपन से ही साधु संतों व धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। संतों के संस्कारों की छाप मीराबाई पर पड़नी स्वाभाविक थी और यहीं से मीराबाई के मन में भक्तिभावों का संचार हुआ। राव दूदा ने मीराबाई की शिक्षा का भार पंडित गजाधर को सौंपा। मीराबाई ने पद रचना, संगीत, वाद्य वादन और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। और ये जो बीच में आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, ये मीराबाई के पिताजी राव दूदा के पुत्र कुंवर रतन सिंह जी, जिनको जागीरी में कुड़की सहित 12 गांव मिले हुए थे। और ये तीसरी मूर्ति राव जैमल जी की है। जैमल जी राव वीरमदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे, शौर्य के धनी और कुशल योद्धा, और भगवान चतुर्भुजनाथ के अनन्य भक्त थे। मीराबाई के ताऊजी के लड़के, मीराबाई के भाई थे। और एक बार भक्ति में लीन देखकर समय भगवान ने जैमल का रूप धारण कर लिया था। जैमल जो राव जैमल हैं, इनकी हरियाणवी रागनियाँ हैं वो काफ़ी फेमस है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी में काफ़ी चाव के साथ इनके किस्से की रागनियाँ सुनी जाती हैं। और इधर मीराबाई के जन्म व उनकी सगाई के नारियल के कुछ दृश्य पेंटिंग के रूप में, काफ़ी पुरानी ये पेंटिंग है। और ये वो दृश्य बताते हैं कि जब बाल्यकाल में मीरा ने एक बारात को देखकर अपनी दादी माँ से पूछा कि यह कौन है और घोड़ी पर बैठकर कहाँ जा रहा है। दादी माँ ने कहा, बेटी यह दूल्हा है और लड़की से शादी करने के लिए जा रहा है। तभी मीरा ने पूछ लिया, तो दादी माँ मेरा दूल्हा कौन है? दादी माँ ने महज बाल जिज्ञासा समझ कर कह दिया कि तुम्हारा दूल्हा तो ये गिरधर गोपाल है। तब से मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने लगी। और ये जो बाईं तरफ आपको सबसे पहली जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये है राणा सांगा संग्राम सिंह, जो कि मीराबाई के ससुर थे। महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ के संग्राम सिंह ने जो गौरव भारत को प्रदान किया वह अविस्मरणीय है। राणा सांगा है वो अदम्य साहसी थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों से बहुत सारे युद्ध जीते। 1527 में बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल शासक बाबर को हराकर बयाना का किला जीता था। हालांकि मार्च 1527 में खानवा के युद्ध में एक विश्वासघाती के कारण वह बाबर से युद्ध हार गए थे, लेकिन इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर था। एक भुजा, एक आँख, एक टांग खोने व सैकड़ों जख्मों के बावजूद भी इन्होंने अपना पराक्रम नहीं खोया।
बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे राणा सांगा। और ये बीच वाली मूर्ति है, ये मीराबाई के गुरु संत रविदास जी महाराज, जिन्हें रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है, ये रेगर समाज से थे और ये स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। ये मीरा के साथ साथ मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा, रानी झली, उनके भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं संत रविदास जी। और सबसे दाहिनी ओर जो मूर्ति है वो कुंवर भोजराज जी की है, जो कि मीराबाई के पति व राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। इनके बाद रतन सिंह, विक्रमादित्य व उदय सिंह इनके छोटे भाई थे। कुंवर भोजराज हैं, ये भगवान शिव के परम भक्त थे। ये मीराबाई की कृष्ण भक्ति को बहुत अच्छे से समझते थे व मीराबाई का काफ़ी सम्मान करते थे। इन्होंने मीराबाई के लिए गिरधर गोपाल का मंदिर भी चित्तौड़ के अंदर बनवाया था। शादी के 7 साल बाद ही अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद मीराबाई का अधिकांश समय है वो भजन कीर्तन व कृष्ण भक्ति में ही लगा रहता था। ये देखिए पेंटिंग, शादी के समय की ये पेंटिंग है, काफ़ी पुरानी है। चित्तौड़ से जब बारात आई थी मीराबाई की, उस समय की ये पेंटिंग का दृश्य यहाँ पे है। और इधर एक और पेंटिंग जिसमें मीराबाई है वो कुलदेवी की पूजा से इनकार कर देती है, क्योंकि मीराबाई ने अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा किसी की पूजा नहीं की। और ये देखिए खूबसूरत मूर्ति, और ये दोनों मूर्ति मीराबाई की और श्री कृष्ण की अष्ट धातु से बनी हुई मूर्तियां हैं ये दोनों। विक्रमादित्य जब मेवाड़ के शासक बने तो उन्होंने मीराबाई पर अत्याचार शुरू कर दिए थे, क्योंकि मीराबाई का साधु संतों के साथ रहना, भजन कीर्तन करना, ये उनको रास नहीं आया। मीरा को काफ़ी समझाया कि वो राज परिवार के साथ ही रहें, और जब मीराबाई नहीं मानी तो उन्होंने मीराबाई को मारने के भी काफ़ी प्रयास किए। सर्प की एक पिटारी भेजी जिसमें सर्प था, और मीराबाई ने जब खोला और उस सर्प को हाथ में लिया तो बताते हैं कि वो सर्प है वो उनके गले का हार बन गया था। और एक बार राणा विक्रमादित्य ने उनको मारने के लिए जहर का प्याला भी भेजा था, जिसको श्री कृष्ण का चरणामृत समझकर मीराबाई पी गई थी, और श्री कृष्ण की कृपा से उनका कुछ नहीं हुआ। और इन अत्याचारों से परेशान होकर मीराबाई है वो चित्तौड़ से वापस मेड़ता आ जाती है। मेड़ता से वो पुष्कर और पुष्कर से वृंदावन जाती हैं, वहाँ संत हरिदास जी के सत्संग में रहते हैं कुछ समय, और उसके बाद वो द्वारिका जो कि गुजरात में है वहाँ पर मीराबाई हैं, वो अपनी भक्ति भाव वहाँ पे शुरू कर देती हैं। और उधर चित्तौड़ में अकाल पड़ जाता है और राणा विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है, और उनके बाद राणा उदय सिंह वहाँ के शासक बनते हैं। तो ब्राह्मण उनको बताते हैं कि मीराबाई को वापस यहाँ पे लाया जाए चित्तौड़ में, ताकि अकाल है वो ख़त्म हो। तो राणा उदय सिंह मीराबाई को वापस लाने का आदेश देते हैं, ब्राह्मणों को भेजते हैं द्वारिका, ब्राह्मण जाते हैं, लेकिन मीराबाई है वो वहाँ पे मना कर देती है उनको आने के लिए। और वहीं पर रणछोड़ दासन के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगती हैं। तभी बताते हैं कि मीराबाई अपने आराध्य देव में विलीन हो जाती हैं, और विलीन होते हुए कुछ लोगों ने मीराबाई को देख लिया था, तो वो मीराबाई के पल्लू को खींचने लगते हैं, लेकिन मीराबाई है वो अंदर समा जाती है, उनका पल्लू का छोटा सा टुकड़ा है वो बाहर शेष रह जाता है। वो आज भी वहाँ द्वारिका में मूर्ति के बाहर स्थित है। द्वारिका में गोमती घाट पर मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। और ये कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जो इसी किले के अंदर लगी हुई हैं, मीराबाई के विभिन्न दृश्यों को दर्शाते हुए पेंटिंग के माध्यम से, और बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग हैं। और ये कुंवर भोजराज और मीराबाई की मूर्ति अपने पति की सेवा करते हुए, और यहाँ पर कुछ और मनोहर मूर्तियाँ हैं जिसमें मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हैं। और ये वो मंदिर है जो चित्तौड़ के अंदर राणा सांगा ने मीराबाई के लिए बनवाया था श्री कृष्ण की पूजा पाठ करने के लिए। और ये नरसी जो भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त थे नरसी मेहता, उनकी तस्वीर। और ये जो
मानचित्र बना हुआ है मेड़ता का, दर्शनीय स्थलों का। और ये राठौड़ की कुल देवी का मंदिर भी है इसके अंदर, नागनेचा माता जी का मंदिर। और यहाँ पर मीराबाई के भक्ति के दृश्य दिखाए गए हैं और खूबसूरत यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। मीराबाई किस तरह से कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी, और ये बाहर की तरफ एक और मीराबाई और श्री कृष्ण का स्टेचू, और बहुत ही सुंदर ये है। और अब आपको मीराबाई का मंदिर दिखाते हैं, साथ में श्री चतुर्भुजनाथ का मंदिर जहाँ पे मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, यही वो मंदिर है। और इसी मंदिर के अंदर वही मूर्ति स्थित है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, उनको खाना खिलाना, दूध पिलाना, दिन भर उनकी भक्ति में लीन रहती थी बचपन से। तो इस किले के जस्ट पास में ये मंदिर है, ये देखिए मीराबाई का मंदिर। और इस मंदिर के जस्ट सामने श्री कृष्ण का मंदिर है, श्री चतुर्भुजनाथ का मंदिर। मीराबाई की जो मूर्ति है उसके जस्ट सामने उन्हीं की मूर्ति है जिनकी पूजा करती थी मीराबाई। ये देखिए सामने, जस्ट बिल्कुल सामने उनका मंदिर है। और ये मंदिर भी काफ़ी भव्य है, इसमें शीशा का जो जड़ाव है इसकी चमक है, इसको कैमरे में रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी वही भव्य मंदिर है। ये देखिए, हालांकि अभी इसमें पूजा पाठ का समय नहीं हुआ था, इसके जो कपाट हैं उसकी मूर्ति हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन आपको ये जो मूर्ति आपको सामने दिखाई दे रही है यही वो मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। और काफ़ी बड़ा ये मंदिर है, काफ़ी तस्वीरें इसमें लगी हुई हैं चारों तरफ। और ये जो छोटा सा एक और मंदिर बना हुआ है इसमें मूर्ति लगी हुई है वीरबल जयमल राठौड़ की, जो चतुर्भुजनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे, ये भी काफ़ी इनकी मानते थे। बताते हैं कि भगवान ने एक बार इनका रूप धारण करके युद्ध किया था, तब ये भक्ति में लीन थे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।